नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये संवसाहूणं। लोकोपकार में यदि कोई सर्वोत्तम मार्ग होगा तो गुरुकुल का ही उपक्रम हो सकता है। गुरुकुल के उपक्रम में चारों प्रकार के दान समाहित हो जाते हैं। गुरुकुल में मुख्यतः से तो मानव बनाने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मानव बनाने के साथ साथ महामानव अरहंत गति से अतीत सिद्ध भगवान की भूमिका यहाँ पर बनना चालू होती है। इसीलिए ज्ञानदान का मुख्य स्रोत गुरुकुल ही है। ज्ञानदान के अलावा विचारणीय बिंदु ये है, जो गरीब अभावग्रस्त साधर्मी भाई है, जो धन के अभाव में लोकोत्तर तो क्या लौकिक शिक्षा से भी वंचित रहते हैं, उनका भी उत्तम व्यवस्था गुरुकुल के जरिए होती है। इसलिए एक प्रकार से आहार दान का भी यह उपक्रम है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि कितने जन आज भोजन आदि की समस्या से भी जूझ रहे हैं। भोजन भी हम ही देंगे, आप मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, ये नहीं, ये भी हम ही देंगे आपको, आहार भी और आजादी भी हम ही दिलाएंगे आपको, सब हम देंगे। और तो और बीमारी आदि ऐसी परिस्थितियों में आपस में आदान प्रदान, वैयावृत्ति का होना, इसकी भी शिक्षा गुरुकुल में मिलती है। इसलिए औषधि दान का भी यह उपक्रम हो सकता है। जो चिंताओं से युक्त जीव है, उसको हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने का एक अवसर मिल जाता है। इसीलिए यह अभयदान का भी एक उपक्रम हो सकता है। इस प्रकार आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान तथा अभय दान, ये चारों दानों का आविर्भाव गुरुकुल की संस्था में हो जाता है। किन्हीं आचार्यों ने चार दान में वसती का दान भी लिखा है। तो वसती गृह तो कहते ही है, तो रहने की भी व्यवस्था तो आपको मिल ही गई। उपकरण दान भी आचार्यों ने कहीं गिनाया है चार दान में, तो उपकरण के रूप में आपको सामग्री भी सब कुछ गुरुकुल में देने का प्रचलन होता है। आप तो खाली आ जाओ बस पढ़ने की तैयारी से, बाकी सब व्यवस्था कपड़े से लेकर ए टू जेड हम करते हैं। यह मूल गुरुकुल परंपरा रही है। इसलिए एक प्रकार से ये लोकोपकार के मार्ग में ये सर्वोत्तम विषय है। ये क्या किया है हाथ को? मंगा लिया था, लगने हुआ था। उठ पीछे। नौटंकी नहीं करना है, ना गंदगी करना, ना गंदगी फैलाना। समझ में आता है? जितना भी सजाना है
आत्मा को सजाओ, गुणों की वृद्धि करो। आकर्षण करना है दुनिया को, वेश्यागिरी कोई उपाय नहीं है। हम घर वालों को पूछे, क्या हम आकर्षण के लिए ये आजमा सकते हैं उपाय? चमड़ी से किसी को रिझाने का उपाय ठीक नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी शरीर की एक्टिविटी से मत बनो, और बनना ही है सदाचारी बनकर, वैयावृत्त कर इसको करो। अनर्थ दंड में, यूजलेसनेस में समय बर्बाद मत करो, माहौल मत बिगाड़ो। समझ में आता है? मर्यादा में रहो। तुम जो सीखने आए हो उसी को सीखो। जो तुम घर पर गोरख धंधे कर सकते हैं वो तुम यहाँ पर मत करो। तुम्हें यहाँ पर भेजने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। गुरुकुल की व्यवस्था की बात हमारी चल रही थी। आपसे कुछ भी नहीं लेकर सब कुछ देने का उपक्रम यह गुरुकुल, यह सुंदर व्यवस्था है। सरसेठ हुकुमचंद जी इंदौर के हुए हैं। आज से 50-60 साल पहले उनकी हयाती थी। बहुत अच्छा उनका काल माना गया है, और जिन शासन की प्रभावना के योग में उनका खूब योगदान आका जाता है। एक बार सहज ही उनको थोड़ी सी धर्म की रुचि लग गई तो उन्होंने मानस बना लिया कि मुझे एक बहुत बड़ा गुरुकुल बनाना है। गुरुकुल चलेगा कैसे? मुनीम को संपर्क करके बोल दिया कि हर महीने में क्या चाहिए? आका क्यों चाहिए? आका मैंने बोला क्या ऐसा? मैंने बोला आका? आका बोला क्या मैंने? किसी ने सुना क्या? ऐसे तो मैं कुछ नहीं बोला, मेरे ज्ञान में नहीं है। किसी ने, मैंने कहा हो, किसी ने सुना हो तो फिर पंक्ति दोहराए तो फिर मैं अर्थ बता सकता हूं। तो उन्होंने संपर्क करके कह दिया हर महीने को इतने इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। गुरुकुल में मान के चलो हर महीने में आपको 1,00,000 रुपए 1 तारीख को यहाँ पर भेजने हैं, ताकि यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू चलेगी। 100 विद्यार्थियों का पालन पोषण, खान पान, भोजन सब व्यवस्था उसमें हो जाएगी। एक उदाहरण दे रहे हो, 1,00,000 उस जमाने की बात है। तो मुनीम को ये लगा ये सेठ को क्या हो गया है, ऐसे अभी एक लाख मिटता जाएगा 1-1 तारीख को। तो थोड़ा उपदेश देने का मूड बना उनका। तो प्रसंग पाकर उन्होंने ये कहा आप क्या कर रहे हैं? ये जाने भिखारियों के लड़के कहाँ कहाँ से आते हैं खाने पीने के लिए मोहताज, रोटी टुकड़ा तोड़ने को। ये ऐसे क्या मतलब है इनको, इनके ऊपर पैसा खर्च करने का? तो उन्होंने एकदम कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा, खबरदार जो ऐसे वचनों का प्रयोग किया, ये जिन शासन के अनुयायी हैं और जिन शासन की ध्वजा ये ही लहराएंगे आगे, और हो सकता है जैसे तुम कहे वैसे भी विद्यार्थी इसमें आ सकते हैं, कोई बात नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि संपूर्ण गुरुकुल में यदि एक भी विद्यार्थी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, और संपूर्ण गुरुकुल में मतलब बराबर पीरियड में, पीरियड में मतलब कोई इस साल की बात नहीं कर रहे हैं, मंगलायतन खोल के यदि 50 साल मंगलायतन चले और 50 × 20 कितने 1,000, तो 1,000 जनों में यदि एक भी सम्यक दृष्टि हो तो हमारा काम हो जाएगा। किसी को इतना भर लगे कि धर्म करने लायक चीज है तो भी हमारा काम, सभी पैसा हमारा वसूल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं करना, और तुम तुम्हारा अपना काम करो, तुम अपना लोटा छानो, बी विद इन लिमिट्स, मर्यादा में रहो। जैसे कहा नहीं इस बच्चे को अभी, वैसे उन्होंने कुछ समझाया होगा, ठीक है वो तो हम आपके गुलाम हैं,
पैसे आता रहा। जब उनके जाने की नौबत आ गई, इसको भूल गए क्या आप लोग? जब मौका आ गया, इसको खोल दो कि अभी कहीं मेरा अस्तित्व का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है अभी। तो उन्होंने क्या किया, अभी इसका कौन करेगा, इसको कौन ध्यान रखेगा? तो उन्होंने एक अंतिम प्रशस्ति उत्कीर्ण करके लिखी है, जो पठनीय है, मूल में पढ़ने लायक है। उन्होंने उस प्रशस्ति में लिखा है कि भविष्य में अर्थाभाव की समस्या बन सकती है। अर्थाभाव समझ में आता है? धन का अभाव हो सकता है भविष्य में, समझ में आता है अभी? और धन के अभाव में संस्थाओं का चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। घबराओ मत, घबराओ मत। मैंने बहुत सारी जमीन यहां पर आसपास में खरीद कर रखी है। आप एक काम करना, और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी मेरी मैंने बैंक में डाली है, उसके ब्याज पर यह संस्था चलती रहेगी। जिस दिन ब्याज का रेट कम आएगा, जो भी कुछ होगा, पैसा खत्म होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो यह जो प्रॉपर्टी मैंने लैंड ले रखा है आसपास, उसको बेचना चालू करना, इसमें चलेगा, आपको कभी कभी दिक्कत नहीं आएगी गुरुकुल में। और बाय चांस यदि ये सब कुछ बेचबाज कर भी यदि संस्था ना चलती दिखे, तो आप और एक काम करना, तो फिर मेरे दो बच्चे हैं और वे सधन हैं, उनको काफी प्रॉपर्टी मैंने दे रखी है, समझा भी रखा है, उनके पास आप कभी भी जाएंगे और बोलेंगे ये नौबत है, वे कभी मना नहीं करेंगे। इतने पर भी यदि समस्या आ जाए, प्रशस्ति में और एक बात लिखी उन्होंने, इतने पर भी समस्या आ जाए तो मैं समाजवासियों से अपील करता हूं कि आप में से कोई भी आगे आए और बहुत मुक्त हस्त से, उदार चित्त से भर भर के संस्था को देवे, ताकि संस्था चले, गुरुकुल चलता रहे, जिस स्वप्न से उसको चालू किया है वो चलता रहे। आगे किसी भाव में मैं आपका नौकर बनकर, आपका बैल बनकर, आपकी चाकरी करके आपका एक एक पई चुकता करूंगा। ये गुरुकुल खड़ा करने के पीछे की भावना किसकी? सरसेठ हुकमचंद जी, जो इंदौर के हुए हैं। एक सागर में एक विद्यालय चलता है, आप जानते होंगे, हरि सिंह गौर चलता है। उन्होंने एक विद्यालय चालू किया वहां पर, वहां पर भी एक प्रशस्ति लिख रखी है जो विचारणीय है। ये एजुकेशन देने का जो मानस बना महात्माओं का, उसके पीछे कितनी आहुति उन्होंने दी है। और एजुकेशन मतलब कोरा अक्षर ज्ञान नहीं देना था उनको, उसमें नैतिकता सिखानी थी उनको। लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल रीजन ऑफ आवर डाउनफॉल, द प्रिंसिपल रीजन ऑफ आवर डाउनफॉल इज द अटर लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। कौन रिपीट करेगा इसको? कर लो रिपीट, चलो तुम करो, करो बेटा। हाँ, वेरी गुड, हाँ गुड। द प्रिंसिपल रीजन ऑफ योर डाउनफॉल इज द अटर लैक ऑफ एजुकेशन। ये मूल चीज तो भूल गया, मॉरल एजुकेशन। बैठिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ये टाइम के साथ चलने की बात है, फिर पीछे बस के दौड़ते रहे, इससे पहले, इससे अच्छा है आप टाइम पर वही, आप वहीं पर आकर खड़े हो जाए। मैं कहां तक आया, हरि सिंह गौर ने वहां पर प्रशस्ति में लिखा है, ये नहीं समझ बैठना आप कि बहुत बड़े धनाढ्य ने इसको अपना धन देकर इसको खड़ा किया है, ये आप लोगों की संस्था है।
और वहां पर नीचे थर्ड पर्सन ने एक बात लिखी है जो विचारणीय है, हरि सिंह गौर जब शांत हो गए थे, उनका देह विलय हो गया, उसके बाद जब दाह्य संस्कार की बेला थी तब देखा गया उनके कपड़े उतारे गए तो अंदर के जो कपड़े थे बनियान वगैरह वो इतने छेद वाले थे कि भिखारी भी उसको नहीं पहने। तो वहां पर यह लिखा है ये ऐसे आदमी ने इसको बनाया है अपना घर का एक एक पैसा लगाकर। इसलिए हे पढ़ने वालों, इस विद्या की कीमत करना। कीमत करना मतलब आप खूब कमाना ये नहीं कहना चाहते हैं। हमको डॉक्टर इंजीनियर नहीं चाहिए, हमको साधु संत नहीं बन पाए तो भी बड़ी बात नहीं, साधु संत, लेकिन आप नैतिकता का उल्लंघन नहीं करें। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह स्थूल रूप से जो होते हैं, डकैतियां होती है, चोरियां लूटमार होती है, ये छेड़छाड़ करते हैं, ये अनैतिकता आप नहीं करना। और आज हम देखते हैं केवल मॉरल एजुकेशन नहीं होने के कारण आज सुबह से लेकर सोने तक का लाइफस्टाइल कितना बदल गया है। वैसे मैं आपको और बताऊं, मुस्लिम के काल में गुरुकुल को बहुत बड़ी आंच आ गई। सबसे पहली बार परंपराएं खंडित होने लग गई गुरुकुल की, सभी कुछ मिटने लग गए तो वह कहां से रहेंगे। और होते होते अंग्रेजों के काल आते आते एकदम समूल नाश होकर गुरुकुलों का उसने नया एक रूप धारण किया था। लॉर्ड मैकैले, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो जनक माने जाते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम के, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ करने में पहले ही एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो एजुकेशन चालू करा रहा हूँ इसमें भारतीयों को मैं मन से और दिलों से मैं अंग्रेज बनाने का मेरा लक्ष्य से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाहर से तो ये भारतीय रहेंगे लेकिन इनको मैं अंग्रेज अंदर से बनाऊंगा। और वेशभूषा से उन्होंने चालू किया था अपना काम। वैसे बाहर से भी कहा हम भारतीय रह पाए हैं क्योंकि काम तो वेशभूषा से चालू किया, टाई आदि। पाश्चात्य संस्कृति जो बेड टी से चालू होकर रात्रि खान पान तक, पार्टियों में आने जाने तक, डाइनिंग टेबल पर भोजन करना, ये आपको गुरुकुल नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, डोंट माइंड। ये आप बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल वाला लाइफ आपका चल रहा है, ये अनुकूल नहीं है ये किसी भी प्रकार से। और जूते चप्पल पहनकर भी भोजन करने की परंपरा चल रही है पार्टीज में, खड़े खड़े भोजन करने की परंपरा। और जितने होटल्स होटलिंग बढ़ गए हैं उतना हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। इतने जेलों की बढ़ती संख्या, इतने अपराधों की बढ़ती संख्या पहले कभी नहीं थी। इसका मूल कारण मॉरल एजुकेशन हम में से खत्म हो गया है। डिवोर्स, ये खून आदि के जितने भी बलात्कार, रेप आदि के जितने भी प्रसंग आज सुनने को मिलते हैं ऐसे तो दुर्लभ थे, अभी तो घर घरों में ही सुनने को मिल जाते हैं ये। ठीक है, आते हैं। कल हम कहां तक आ गए थे, कहां तक बताओ, कौन से बिंदु तक, मूल बिंदु कौन सा चल रहा था जिसमें मैं क्या समझा रहा था? मूल प्रकरण क्या चल रहा था? मूल प्रकरण हमारा ग्रह त्यागी चल रहा था, वेरी राइट। और उसके अंतर्गत एक प्रकरण पर आकर रुका था मैं। मैंने कहा था इसकी कल चर्चा करूंगा और आपसे कल समाधान चाहूंगा। कोई है? जहां पर आकर रुका था ऐसा कोई है? मैंने ये कहा था कि अपन इसकी कल चर्चा करेंगे। नहीं याद है? लास्ट में आपने बात कहा था तो है? क्या बोल रहे? मैंने कहा था परिश्रम का तो प्रकरण चल ही रहा था गृह त्यागी में, जिसमें मैं ये कह रहा था
आज कितनी ही जमीन अनकल्टीवेटेड है जिसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, और एक तरफ माल न्यूट्रिशन और एक तरफ अनकल्टीवेशन, एक तरफ भूखमरी और एक तरफ खाली खेती, ये दोनों विसंगतियां मैं कह रहा था कल। तो कितना अच्छा होता ये जो लोग भूखे मर रहे हैं आज, वो बची हुई खेती कोई कर लेता तो वो भूखे रहने से बच जाते। इसकी कल बात कही थी, आप जानते होंगे विनोबा भावे हुए हैं, आज से 60-70 साल पहले चलना पड़ेगा। तो इन्होंने भूदान आंदोलन का यज्ञ किया था जिसमें इन्होंने लाखों किलोमीटर पूरे भारतवर्ष में पैदल यात्रा करी थी, 5 वर्ष तक चलती रही ये यात्रा, और सैकड़ों जन साथ साथ घूमते थे उनके, जगह जगह उनके प्रवचन भी होते जाते थे और खूब प्रेरणा भूदान के लिए हुआ करती थी। उनको लोगों ने, एक एक आदमी ने सैकड़ों सैकड़ों एकर नहीं, बाद में ग्राम दान का भी चालू हो गया, गांव के गांव दान दिए जाने लग गए उनको। उनका एक ही कहना था कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पास 200 एकर है, तुम्हारा भाई है, भाई मतलब गांव वाला है, उसके पास एक एकर भी नहीं है, तुम दो दो एकर इतना तो फसल करते नहीं हो, तुम तो ऐठ के बैठे हो उसको। यह प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं है, जमीन और पानी हवा किसी की हुई नहीं है, उस पर मालिकियत करने की चेष्टा अपराध है, उनकी थिंकिंग थी ये। तो उनका ये कहना था तुम्हारे पास 200 है, तुम इतना करते नहीं, वो खाली है, एक काम करो, यदि वो खेती करेगा तो तुम 100 ही तुम करते हो तो 100 उसको दे दो, और तुम्हारी करने की तैयारी है तो तुम उसको दे दो। ऐसा आपस में बंटवारा करके लाखों एकड़ खेती किसी से लेकर किसी को देना, प्रेम से, छीना झपटी की बात नहीं। गवर्नमेंट तो अभी पॉलिसीज लागू करने का सोच रही है, भविष्य में करेगी, ये भूदान आंदोलन में ये सर्वव्यापक ऐसी सोच रही। कहना तो ये था इसके पास इतना है कि 4 पीढ़ी भी ये 10 पीढ़ी भी कमाने की आवश्यकता नहीं, बैठ कर खाएगा। और ये दूसरा ये है कि कमाते 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 परेशान है, आज मरने की नौबत है, स्वयं का घर बनना दूर, कर्जे में से ही नहीं उठ पा रहा, ये नौकरशाही नहीं कहेंगे तो, मालिकशाही नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे। और तुम उसको उतना भी नहीं दे रहे हैं जितना उसको बहुत अच्छे से चले, तुम तुम्हारा अपना देख रहे हो, उसको कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और कल्पना करो उस दिन की, ये भी नहीं रहेंगे, तुम क्या करोगे, या अन्नदाता नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे, या तो भूखा रहोगे या तो तुम स्वयं हल चलाना पड़ेगा, वो तो तुमको आता नहीं है तो तुम उनको जलाओ तो तुम भी जियोगे। ये व्यापक सोच की रीति नीति चलती रही उस टाइम में, मैं कर्मवीर भावराव पाटिल तक आकर पहुंचा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर भावराव पाटिल ने महाराष्ट्र के बच्चों के एजुकेशन में, इसी पॉइंट के अंतर्गत बात करते हैं, बच्चों के एजुकेशन में पत्थर फोड़ने तक के उपक्रम को भी शामिल किया था। आज जो चाइल्ड लेबर के एंटी में नारे लगाते हैं, नो चाइल्ड लेबर, आप जानते हैं ना, ये उनका मंतव्य अलग है और इनका मंतव्य अलग है। जो बच्चे गरीबी में पैदा हुए और उनको सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, और जिनको ना कोई स्कूली एजुकेशन मिलता है, मॉरल एजुकेशन मिलने का तो कोई उनका क्या रचित क्या लिख रही है ऊपर, चलो, किसी प्रकार का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेस देने का प्रयास किया कि ये इनका टाइम है, ये क्रीम टाइम नॉलेज का है, और प्रतिकूलता में इनको ये सब करना पड़ता है, ये बात अच्छी नहीं है, इनको स्कूल में आने दो नहीं तो फिर खाएंगे क्या। तो आप जानते होंगे गवर्नमेंट कैसी कैसी पॉलिसीज अंगीकार कर रही है, स्कूल में खाने पीने की भी व्यवस्था चालू करी है, आप जानते हैं ये वन टाइम मील,
और कहीं कहीं अभी थोड़े टाइम पहले मैं था खनिया धाना, तो एमपी गवर्नमेंट ने तो ये लागू किया था जो बहुत दूर से आते हैं स्कूल में उनको साइकिल्स तक प्रोवाइड करी थी। आप पढ़ो, चाइल्ड लेबर का जितना विरोध होता है वो मेहनत का, मेहनत नहीं करना इसके लिए नहीं था, आप समझो, वो तो इसके लिए था कि वे पढ़ने को तो उनको टाइम मिले, तो वो उनका समय यदि कमाने में चला जाए प्रारंभ का इतनी प्रतिकूलता में और पढ़ने को ही नहीं मिले, और उनको तो यही नहीं हिसाब किताब की बात समझ में नहीं आए सामने वाला कितना दे रहा है कितना ले रहा है, तो ऐसे अज्ञानता कैसे मिटेगी। और स्कूल के बहाने हम उनको नैतिकता पढ़ाएंगे, क्योंकि चाइल्ड लेबर में मेहनत तो करता दिख रहा है, तो साहब आप तो कह रहे मेहनत करना तो अच्छा है, लेकिन वो बीड़ी तंबाकू का अधीन हो रहा है, शराब और ड्रग्स गांजा के अधीन हो रहा है वो, ये हम स्कूल में उसको बुलाकर इस प्लेटफॉर्म से उसको नैतिक एजुकेशन भी देंगे, और इससे कैसे रोग होते हैं, तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हें टीबी होगा, तुम्हें एचआईवी होगा, तुम्हें एड्स होगा, कैंसर होगा, ये कह कहकर हम उसको निवृत्त कराएंगे। उसको बाहर ज्ञान नहीं मिल सकता, वैसे हल्के लोगों में उठ बैठ कर वो रोगों का भंडार बनता रहेगा। तो जो चाइल्ड लेबर का जितना भी विरोध हुआ है उसके पीछे इतना ही प्रयोजन था ऐसा समझना। तो मैंने इम्पोर्टेंट बात आपको ये कही कि उन्होंने अपने मिशन में बच्चों से बोलो पत्थर फुड़वाने तक के उपक्रम कराए हैं, क्योंकि कौन करेगा वो, फिर हमको घर बांधना है ये करेगा कौन, तो हम ही अपना जैसे बिल्डिंग बनानी है स्कूल की, अभी ये कर्मचारी बुलाएंगे तो पैसा लेंगे, और हम तो आपको फ्री पढ़ाना चाहते हैं तो पैसा आएगा कहां से, तो भैया अपन ही तो मिलके बनाएंगे ना इसको, तो ऐसा सब उपक्रम भी उन्होंने कराया। पहले आप देखते होंगे घर घर में ये लाइट फिटिंग वाले को कोई इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी ना बुलाते थे, थोड़ा कुछ हो गए थोड़ी ना मिस्त्री को बुलाते थे, ये सब के साम घर खड़ा करना लाइट फिटिंग करना ये सब घर वाले लोग समझते थे, इतना प्लम्बिंग का थोड़ा, आज एक एक काम के लिए जो हमको पर मुखातिब होना पड़ रहा है उसका कारण ये है कि हम केवल पुस्तकी विद्या में उलझ रहे हैं, हम स्वावलंबी होने के लिए लायक हमारे पास आज विद्या नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं, कितने पॉइंट्स हो गए थे, सात पॉइंट्स हो गए क्या आपने, ठीक है, और एक आप उसमें डाल सकते हैं आगे का पॉइंट पर आप ले सकते हैं इसको, ये हार्वेस्ट के टाइम को क्या कहते हैं हिंदी में, हार्वेस्ट के टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग होता है हार्वेस्टिंग, कटाई, कटाई होती है फिर कटाई के बाद अनाज भरना करना काफी वो मेहनत का समय माना जाता है, उस टाइम में बच्चों को 15 डेज का ऑफ दिया जाता था, और स्कूल स्वयं, मैं जहां की कह रहा हूं आप भी, ये कुंभोज बाहुबली की कह रहा हूं मैं, वहां पर उस पीरियड में 15 डेज स्कूल को ऑफ रखकर बच्चों को जो आसपास की खेतियां है नगर वालों की गांव वालों की उनके खेतों में उनको काम करने के लिए हेल्प करने के लिए भेज देते थे, और भोजन भी उनको गांव वाले समाज वाले वो भिक्षा पद्धति से कराते थे, बहुत आदर भक्ति से कराते थे। उसका फल मैं आपको कहना चाहूंगा, गोपालदास जी सोलापुर आए थे, गोपालदास जी बरैया, और किसी कारण से ये भी सोलापुर आए थे समंत भद्र महाराज, जब समंत भद्र महाराज का तो एज बहुत कम था, वो तो ऐसे 100 साल जिए है, मुनि दीक्षा वगैरह तो बहुत बाद में ली, तो उनको पहले आइडिया चलने लग गई अपन गुरुकुल खोलेंगे, तो गोपालदास जी के सामने प्रपोजल रख के हम ऐसा सोच रहे हैं, तो गोपालदास जी ने यह कहा हमारा 5 लाख का टारगेट हमने बनाया था कलेक्शन करना समाज से, 3 लाख भी मुश्किल से नहीं जुड़ पाया, हमको नानी याद आ रही, पसीना छूट रहा है, आप मत करो ये उपक्रम, आपको बहुत सफलता नहीं मिलेगी इसमें। लेकिन समंत भद्र महाराज ने बहुत इंसिस्ट करते हुए ये कहा आप तो हमको इतना भर बता दो, उसकी आप चिंता मत करो पैसे की, आप हमको इतना भर बता दो कि योजना जो हम बना रहे बच्चों को पढ़ाने है वो योजना कैसी है। कह रही योजना तो अच्छी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है,
छोड़ दो बोले फिर बात को, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं बोले वे। बाद में पता चला जितने भी आश्रम वितराग एजुकेशन दिए जाते हैं भारतवर्ष में, उस जमाने की बात करता हूं, आज से चलना पड़ेगा 70 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 70-80 साल पहले की, तो तब के काल में उन्होंने पहली चोट में 15 लाख रुपए कलेक्शन करके सबको एकदम ऐसा चकमा, बोले कैसे क्या ऐसा कैसे हो गया, इतना अचंभा हो गया सबको कि 15 लाख कहां से आ गए। तो बाद में ये पता चला ये स्थान इतना गरीब होने पर भी, कोल्हापुर का पार्ट थोड़ा गरीब था तब, यहाँ के जैनी इतने गरीब होने पर भी इतना पैसा कैसे जुट गया, और बाद में भी वहां के गरीब गरीब इतने इतने लोग थे, वे बहुत मुक्त हस्त से वहां पर दान देते थे। एक आध जन थर्रा जाता था देखकर, ये इतना दान कैसा दे रहे, ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसका रहस्य ये था कि उनको उन्होंने आइडिया का यूज किया था कि हम जब आवश्यकता हो खेती आदि के लिए हम अपने बच्चों को भेजा करेंगे। उससे उन्होंने बहुत प्रेम इकट्ठा किया समाज वालों का, तो समाज वालों के फीलिंग होने लग गया ये बच्चे हमारे हैं। तो अपने तो का जब बॉन्ड्स तैयार हो गए तो वो सर्व समर्पण करने लग गए। इसमें तो मैं जो अभी जो पुस्तक है मेरे हाथ में उसको, तो उस पुस्तक में एक घटना ऐसी लिखी है कि एक बहुत गरीब लेडी आई उनके पास और ये बोली साहब हमें आपको 20 एकड़ आपके ट्रस्ट को डोनेट करना है, आप उसको जो भी करो। तो महाराज ये पूछ रहे थे आपके पास है कितनी कुल, तो उन्होंने कहा हमारी 20 एकड़ है और पूरा डोनेट करना है। गरीब परिस्थिति थी बहुत, तो उन्होंने कहा आप कैसी बात करते हैं, 20 एकड़ तो नहीं चाहिए मुझे, आप क्या करेंगे। तो बहुत उनका ये चलता रहा दोनों तरफ से विवाद टाइप, तो लोगों को आने जाने वालों को ये लगा इन दोनों में क्या चल रहा है इतना। बाद में जब सबको ये ख्याल में आया कि विवाद तो इस बात पर चल रहा है कि वो कह रही है पूरा ले लो और वो कह रहे नहीं नहीं आपके भविष्य के काम के लिए रहने दो, और मैं यदि लेता हूं मैं 10 से ऊपर नहीं लूंगा, तुम्हारे लिए थोड़ी बनाए रखो। तो कहते हैं ऐसे भी देखने को मिल रहे दृश्य, ये ऐसे भाग्य की बात है। और महाराष्ट्र जैसे वो एकदम गरीब सेक्टर में, यहाँ पर उनको 5 लाख इकट्ठा करते करते पसीना छूटा था और वहां पर देखते ही देखते हो गया था ये, क्योंकि वो सब समाज वालों का उन्होंने दिल जीत लिया था। इस विधि से वे सबका काम वगैरह करना ऐसा करते थे जैसा मैंने कहा अभी अंतिम पॉइंट में, वो 15 डेज को ऑफ देकर और जिनको आवश्यकता है सबके खेत में, उससे विद्यार्थियों को नॉलेज मिलता था एक एक खेती किसानी का, और वे स्वयं मेहनत करते थे और कभी भी संकट नहीं आया उनकी संस्थाओं पर, कभी आर्थाभाव नहीं हुआ, कभी धन की आवश्यकता नहीं लगी, अच्छे से वो सब चलता रहा। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको छंद लिखाऊंगा, वो बस उसको अपन लिखकर अपन पूरा करेंगे। वैसे अपना प्रकरण ग्रह त्याग का चल रहा है, ये चाणक्य नीति में से कुछ छंद है और चाणक्य हुए है, अंत में मुनि दीक्षा ली थी आप जानते हैं। तो ग्रह का त्यागी क्यों होना जरूरी है, क्योंकि घर में लाड़ प्यार की अधिकाई हुआ करती है और आजकल तो बहुत ही अधिकाई है, स्ट्रांग डिसिप्लिन नहीं हो सकता। और यदि कोई एक डिसिप्लिन्ड बनना चाहे, जैसे मेरे घर की मैं बात करता हूं आपको, मेरा यह है कि घर का झाड़ू पोछा तो बच्ची लगाए, क्योंकि सबको काम करना चाहिए, महात्मा गांधी जी की पॉलिसी, आश्रम में रहकर गांधी जी के 11 गांधी जी ने येरोड़ा जेल में थे तब उनकी मंगल प्रभात पत्रिका निकलती थी, तो उस पत्रिका में उन्होंने कंटिन्यूटी में क्रमशः किश्तों में 11 व्रतों का सर्वांगीण डिस्कशन किया था, चर्चा करी थी 11 व्रत, जिसमें 11 व्रत में से जो हम जैनी मानते हैं 5 व्रत अहिंसा सत्य अचौर्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये तो रखे ही थे उन्होंने,
और ये 11 व्रत उन्होंने बाद में एज अ रूल बना दिए, जो भी आश्रम में आना चाहता है वो 11 व्रतों का पालन करे ही करे, उसके बिना एडमिशन नहीं दी जाती थी उसको। जैसे आपकी कोई नियमावली आपको दी गई होगी, वैसी नियमावली उनको दी जाती थी। उस 11 व्रतों में एक व्रत यह था कि सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा, कम से कम तीन चार घंटा। गांधी जी की मान्यता थी अपने घर में भी जो बिना काम किए खाता है वह चोर है। बहुत अपने को ऐसा लगेगा, खैर मुझे तो ये कहना है, मुझे अभी क्या कहना है तो कोई बताएगा, क्या विषय चल रहा था गृह त्यागी में, क्या कहना चाहता हूँ? घर में घर का त्यागी क्यों होना है? क्योंकि घर में लाड़ प्यार मोह बहुत मोह होता है, और उस लाड़ प्यार मोह में अभी तो छोटा है, कोई मेहनत के कोई अवसर नहीं हुआ करते। जैसे मैं मेरे घर की बता रहा था, जैसे मेरी लड़की से मैं बहुत अपेक्षा रखता हूँ कि वो इतना इतना काम करे ही करे, और दैट इज टू कीप आवर सेल्फ फिट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर समझ में आता है? एक जन के पास इतना पैसा, एक जन के पास कुछ नहीं, तो मजा नहीं आया। एक जन के पास इतना काम, एक जन के पास कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर नहीं हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर चाहिए बराबर, तो सभी जन बराबर काम करें। तो लेकिन क्या होता है, यहां पर तो बराबर चलता है। अभी जैसे उसकी दादा दादी आ जाती है यहां पर, तो उसकी दादी कहती है अरे बाबा ये इतनी छोटी लड़की अपना अपन कर लेंगे। तो मेरा हर दम इस बात को लेकर उनसे कि जिसको तुम कहती हो कि ये ऐसा है, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। बच्चों को अभी स्ट्रगल करना सीखना चाहिए। फिर शादी के टाइम में लड़कियां ये कहती है, क्या कहती है, हमको यह काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ये कोई बात हुई क्या? ये तो अपना ही घर है। बहुत अच्छा स्पीच है एक मेरे पास अब्दुल कलाम का, पढ़ने लायक है। आज भारत क्यों पीछे है उस पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। कहते आज हमने कुत्ते पाल रखे हैं, हम कुत्तों को जब भी चाहते हैं, ये अभी इनका टाइम है टट्टी पेशाब का, तो हम तो क्या करते हैं, हम इनको लेके चलते हैं सुबह सुबह रास्ते पर। और रास्ता मतलब किसके बाप का क्या बिगड़ रहा है, तो कहते ये है, और सब रास्ते गंदे करते हैं ये लोग, और सरकारी कर्मचारी तो लगा नहीं पड़ते हैं। फिर विदेशों में माइंड वेल, विदेशों में ये सिस्टम नहीं चलेगा। वहां पर यदि आपका कुत्ता कहीं गंदगी करे, आपको वही रुककर उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज लिखी है उसमें, एक स्पीच है, भारत क्यों पीछे है आज। हम कहते तो है, और जितने जन चक्रे काट कर आते विदेश की, कोई विदेश गए आप लोगों बच्चों में से? इसमें सब माँ बाप और होड़ चलती है, और यहाँ घुमाना, वहां घुमाना, वहां घुमाना, और क्या। और यहां पर जितने भी जन आते हैं कहते यार कैलिफोर्निया देखने लायक है, यार लंदन देखने लायक है, कनाडा देखने लायक, और क्या देखने लायक, देखने लायक, देखने क्या, सब रस्ते पर तो चकाचक चकाचक, यहां तो गंदगी तो तुम फैला रहे ना, और तुम ही इसको खराब कहते हो। तुम वहां की सफाई की प्रशंसा करते हो यहां आकर। उसमें लिखा, उस स्पीच में लिखा है, एक्चुअली ये सब स्पीच दे रहे हैं, और ये स्पीच एक फेयरवेल सेरेमनी में दे रहे हैं। हैदराबाद में स्पीच चल रहा है किसी एटॉमिक सेंटर पर, कोई स्टूडेंट्स को दे रहे हैं फेयरवेल। हमारा देश क्यों पीछे पड़ रहा है हम? और समझो, आज बाहर के कंट्रीज में किसी भी घर के बाहर घास दिख जाए थोड़ी उगी सी, उसमें तो ये है, घास उगी दिखी, गवर्नमेंट के आदमी पेट्रोलिंग करते रहते हैं। पेट्रोलिंग समझ में आता है क्या? घूमते रहते हैं, गश्त लगाते रहते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप, है ना, कुछ वर्ड। तो वो ध्यान रखते रहते हैं। अभी जैसे कि देख लिया, ये घास उगी है, यहां पर घास उगी है, उसको फोन जाता है, तो
तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या, घास उग रही, तुम क्या कर रहे हैं? हाँ साहब, तो फिर ये गवर्नमेंट अपने आदमी भेजकर, बोलो हाँ? अरे बाबा, होने को तो हर जगह हो सकता है ना, लेकिन वहां का कायदा कानून अपन बोल रहे हैं, वहां पर थोड़ी घास उगी दिखी, मैं सिस्टम कह रहा हूं, अभी सुनो आपको समझ में आएगा प्रॉपर, कि वो फोन करती है बराबर घर क्रमांक वगैरह सब समझकर, कहते हैं हमने चार आदमी भेज दिए, घास कटाई हुए कर लेंगे, उसका बिल भेज देते हैं प्लस उसका फाइन भेज देते हैं। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? तुम्हारे घर के बाहर जितना भी है सफाई तुमको करना है। विनोबा भावे ने इसी पॉलिसी से एक बात कही थी एक बार, घर से लेकर रस्ते तक का जितना भी स्पेस है, यदि हम उसका जिम्मा उठाए उतने का, भले आदमी तुम इतने बड़े घर का जिम्मा उठा रहे और अभी आगे उतना से 10% नहीं उठा पा रहे, तो ये हजारों कर्मचारियों की जो पे दे रहे हैं हम, और हम कहते हैं ये मक्कारी करते हैं, ये इतने करते हैं, देखो वो कैसे काम करते, देखो वो कैसे, तुमने क्यों नो बतलाई? तो वो ये कहते थे कि यदि हम इतना काम करें रस्ते तक का भी आगे, तो एक भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सरकारी, और क्यों, और बात है सरकारी में फिर कभी दंगे भी हो सकते, तो पुलिस की भी आवश्यकता, बात वो नहीं, सफाई के लिए एक भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारा काम तो हमको करना ही चाहिए, और मुंह लाड़ प्यार में ये नहीं हो पाता तो मेरा हमेशा विवाद हो उठता है, और मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूं मुक्ति की दादी को, लेकिन ऐसा होने पर भी जब भी ये मुद्दा खड़ा होता है मैं कहता हूं इस पॉलिसी में आप बीच में कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम उसमें उनका बेटरमेंट समझते हैं, और तुमको बेचारे को दया आती है, ये तो ऐसा ही हो गया, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, अब छह ढाल में अभी 20 साल पड़ेंगे, कोई तप कर रहा है बेचारे, तो वो तो ऐसी विपरीत मान्यता हो गई। ठीक है, देखिए चाणक्य को क्या कहना है, ये चाणक्य नीति दूसरे अध्याय का 12वें छंद में भी लिखते हैं, लालनाद बहवो दोषा, लालनाद बहवो अलग वर्ड है, फिर आगे का वर्ड, लालनाद बहवो दोषास्ताड़नाद स आता, बहवो गुणा कोई इसको पढ़ के दिखाएगा, पहली लाइन पढ़ के दिखाओ। हाँ, लालनाद बहवो दोषास्ताड़नाद बहवो गुणा, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, ताड़येन्न तु लालयेत्, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, ताड़येन्न न आधा और पूरा, ताड़येन्न तु लालयेत्, इसका अर्थ कौन बताएगा? कौन बताएगा? वह मां अपकारी है जो लाड़ और प्यार ही करती है, जो मां अनुशासन नहीं करती। आपको अर्थ बताना है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अर्थ तो आपको बताना है। जो मां मात्र लाड़ प्यार करती है और अनुशासन नहीं करती, वह मां पक्षपात करती है बच्चों के प्रति, वो तो दोनों प्रकार के हाथ उसके चाहिए, बाहर तुम्हारा चोट और अंदर हाथ पसारे के, घटघट काटत खोट चाहिए। अरे हमारे भगवान ने, हमारे जिनवानी मां ने भी
भव्य कहा ही है, और हे जीव भव्य जीव राजा कहा ही है, साथ साथ नहीं माने तो उनको हे आत्मनंस, हे आत्मपंसन, हे आत्मघातकी, हे दुर्मते, रे पापी, रे कैसी कैसी बातें कही, सब प्रकार की बातें होना चाहिए। इसका अर्थ कौन बताएगा? छंद का भी बताओ, छंद को पढ़ के कौन दिखाएगा? पढ़ो। दोषास्ताडनात् बहवो गुणा तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्न तु लालयेत्। बैठिए। अर्थ कोई बताएगा? अर्थ कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, बोलिए। जो तुम्हारा लाल है, हाँ, उसको तुम ऐसा करो कि उसको लाड़ प्यार कर रहे हो तुम। ये बच्चा बहुत अच्छा है, और इसमें पहली बात तो ये है, इसमें पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात डेरिंग है। सबसे पहली बात जो आवश्यक चीज है, क्राइटेरिया, डेरिंग। हम जो भी कहना चाहते, कहने में हमारे साहस चाहिए। वो चीज हम कितना कह पाएंगे बात, वो दूसरी है सफलता असफलता की। आपको वैसे फर्स्ट रैंक आया है ना, इसमें थर्ड आया है, ठीक है। तुम्हारा जो लाल है उसको ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, उसके गुण मतलब उसमें गुण विकसित नहीं होंगे, और वो तुम्हारा शिष्य है, यही तुम्हारा लाल है। ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन आप 5-1% पास में पहुंच गए। पांच बैठो, कोई बात नहीं, चलो। और लालनाद मतलब अपने बच्चों को, सॉरी, लालनाद लाड़ प्यार करने से बहुवो दोषा, लाड़ प्यार करने से ज्यादा दोष की उत्पत्ति होती है, ताड़ना करने से अधिक गुणों की उत्पत्ति होती है। पहली लाइन का अर्थ समझ में आता है? नेक्स्ट, इसीलिए पुत्रों के प्रति तथा शिष्यों के प्रति ताड़ना का ही उपक्रम रखना चाहिए, न तो लालये, लाड़ प्यार का नहीं रखना चाहिए। अभी और एक बात इंपॉर्टेंट समझ लो, आप 5 साल के लिए, हमने गलती करी तो हमको तो डांट फट कर दिया, ठीक है, हमने अच्छा काम किया तो उसके लिए कुछ बोलते ना, उसके लिए कुछ बोलते ना, थोड़ा तो कुछ करते ना, ये तुम मत बोलो। और ना तुम्हें ऐसी इच्छा होना चाहिए, और वो गुरु पिता है ही नहीं। अभी आगे देखो कैसी कैसी बात मैं कहूंगा। ये छंद सबको समझ में आ गया? एक बार पढ़ के दिखाओ तुम। हाँ, बैठो, कंप्लीट, आगे बढ़ते, अर्थ भी कंप्लीट, बोलो। क्या इसका अर्थ? कौन समझाएगा? 8वीं में से कौन समझाएगा? 1, 2, वो 2 ही जन है। आपका क्या नाम है सर? ईशान है, और एक ईशान है क्या? दोनों ईशान है। अच्छा, आपका क्या नाम बताया था? लक्ष्य। चलो, ये अच्छे बच्चे हैं, 3 ही बच्चे कह पाएंगे, ठीक है। हाँ, वो तो 9th वाले, तो चलो 9th वाले कितने हैं? 9th वाले तो ठीक है, तुम बता पाओगे क्या? बताओ, पीछे में से कोई हाथ ऊपर किया था कि किसी ने हाथ किया था ऊपर किसी ने कि नहीं किया था? किया था, किसने किया था? तीनों ने किया था क्या? चलो इनको अवसर दे देते, ये बैठ जाए बेचारे। बोलो। लाल नाद करने से दोष बढ़ता है, और ताड़ नाद
दोष घटता है, दोष घटता है के लिए कहा क्या शब्द पड़ा है उसमें? तो उसमें कैसे अर्थ निकाल दिया तुमने? चलो नीचे की लाइन का बताओ। इसलिए पुत्र छात्र के लिए, छात्र के लिए लाल ना कम कम लाल ना नहीं जाना चाहिए और ताड़ ना जाना। ताड़ियत न तो लालयत, ऐसा संधि होगी उसकी। संधि कैसे होगी? लालयत तो होगा, फिर जब हलंत होगा ना संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद समझते आप? तो त बाहर आएगा न बाहर निकलेगा वहां पर। ताड़ियत न तो लालयत, लाड नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ, अर्थ समझ में आ रही छंद का? अब कितने जन समझे आठवीं वाले? अब कितने जन बता पाएंगे? अगेन सेम फिगर, यही है ईशान लक्ष्य अर्ज। स्वयं इसके पहले हाथ ऊपर नहीं था क्या आपका? अरे तुम पिछड़ रहे क्या? इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। तो पिछले साल की बैच से तो इस साल की बैच वीक है ऐसा तो मानना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। इस साल तो वो भी शिथिल है, बात वो नहीं है, इस साल तो वो भी शिथिल है, लेकिन पिछले साल में तो अच्छे बच्चे थे, कम से कम 7-8 बच्चे तो बहुत ही अच्छे थे। चलो नेक्स्ट, जल्दी मैं चाहूंगा आप इसका भी अर्थ बताइए। चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय का 18वां सूत्र में, सॉरी 18वां छंद में बोलूंगा। लालयत पंचवर्षाणी, क्यों नहीं लिख रहे? चलो चलो पीछे, गो बैक। लालयत पंचवर्षाणी दश वर्षाणी ताड़ेत, दश वर्षाणी ताड़ेत। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्र वदाचरेत। कितने जन ने कंप्लीट किया है? गुड गुड गुड। अब नाइन्थ में से जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनका थोड़ा सा डाउनफॉल मैं देख रहा हूं, और मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं समझ नहीं रहा हूं, लेकिन आपका पीछे आना अच्छा शगुन नहीं है। ठीक है चलो, बोल के दिखाओगे आप? गुड। आप पीछे में ऐसे कोई पढ़ के दिखाएगा? दो जन पढ़ो। वे क्या है, हवा में उड़ रहा है तू तो, ये तो जीप तो टिका ही नहीं रहा है तुम तालू का आपने। अच्छा सुनाओ ना। हाँ वर्षाए, वर्षाणी नहीं, कुछ नेचुरल डिफेक्ट होगा तो फिर हमको ऐसे बताओ। नेचुरल डिफेक्ट है क्या? हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ चलो बोलो भैया। हाँ तुम चलो आ जाओ। हाँ पुत्रं मित्र वदाचरेत, वदाचरेत। अर्थ जल्दी, अर्थ का प्रयास कौन करेगा? अर्थ का प्रयास कौन करेगा? हाँ तुम्हारे डाउनफॉल का तो सवाल ही नहीं है। क्या कहा मैंने, समझ में आ रहा है आप लोगों? तुम्हारे डाउनफॉल का तो सवाल ही नहीं है, तुम तो वैसे ही पहले बाहरी रुचि थी तुम्हारी, वैसे भी अभिरुचि नहीं, तो आश्चर्य तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। बोलो पांच साल
चलो तुम बैठ तो जाओ, पहले देखते फिर बाद में। तुम बोल सकोगे अर्थ अच्छे से? नहीं, क्योंकि अभी तो थोड़ा कठिन ही है। खैर, पहले 5 वर्ष तक बच्चों का लाड़ प्यार करना चाहिए। 5वें वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक, वेरी सॉरी 15वें साल तक, मतलब 10 साल तक ताड़ना की मुख्यता होना चाहिए। और 16 साल का होते ही उसको मित्र समान उसके साथ आचरण करना चाहिए। 16वें साल के बाद मित्र समान उसको मानना चाहिए, ऐसा लिखा। समझ में आ रहा है सबको? अभी आगे ये चाणक्य सूत्र है। चाणक्य सूत्र अलग से लिखे गए हैं, 527वां सूत्र। उसमें लिखा है पुत्रो न स्तोतव्य। पुत्रो न स्तोतव्य, इसका अर्थ कोई बताए? अर्थ कोई बताए? कोई नहीं बताएगा। ये आपको 5 साल के लिए दिमाग में रखना है, ये सब चीजें बहुत भारी है। बोलिए। एक जन भी नहीं, ना प्रयास, कुछ हिंट भी नहीं लग पा रही है आपको। पुत्रों की स्तुति नहीं करना चाहिए। पुत्र मतलब यहां पर इस प्रसंग में कोई बताओ? कोई नहीं बताएगा? संचार बताएगा क्या? बताना। पुत्र और शिष्य बराबर, क्योंकि अभी वैसे मिलता जुलता एक क्षण चल चुका है। बैठिए, ठीक है। मराठी के एक कहावत लिख लो, अति लाड़ तेथे बिगाड़। क्या है? फिर से रिपीट करो। अति लाड़ तेथे बिगाड़। मराठी है वैसे, लेकिन समझने में तो कुछ भी बात नहीं है, स्पष्ट ही स्पष्ट है। ज्यादा लाड़ करने से बिगाड़ हो जाता है। मैंने यहां पर बताया था, पहले के गुरुकुलों में तो कोई लाइट फिटिंग नहीं हुआ करती थी। एक लैंप में 15-20 जन, ये हुकुमचंद जी भारिल, गोपालदास जी, सहजानंद वर्णी जी, ये सब के सब ऐसे गुरुकुलों में पड़े हैं जहां पर एक लालटेन को घेर के 20-20 जन बैठ जाते थे, वही पाठ आदि करते रहते थे। प्राइवेसी नाम की चीज नहीं थी, और वो लालटेन के कांच भी आपको एक साल चलानी चलानी है। माचिस भी आपको इतने दिन चलानी चलानी है, माचिस पर तारीख लिखी जाती थी। इतने यूसेज चलता था, ऐसा चलता था। चलो, ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है। अब मैंने समय की सीमा में जितना कुछ कहा है, मेरा ये कहना चाहूंगा, मैं मजबूरी में आप बीच बीच में घर पर जाते रहेंगे, वैसा ये तो नहीं चलेगा जैसे प्राचीन पद्धति का चलता था। तो मेरा यह भाव होगा कि आप घर पर भी जाएंगे तो यहाँ के रूल रेगुलेशंस आप फॉलो करें। घर पर गए, अब टीवी देखना चालू किया, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। 21 साल तक की आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए। डॉक्यूमेंट्री की बात अलग है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी हो, कोई सोशल प्लेटफॉर्म का कोई बात हो, वो बात अलग है। लेकिन हीरो हीरोइन नाच गाना आदि आदि के कंसेप्ट वाला, हमारी मुक्ति ने आज तक
हमारे टीवी तो होने का सवाल ही नहीं है, एक भी फिल्म नहीं देखी है, डॉक्यूमेंट्री है वो है, ऐसे जितना भी एक चीज मिलेगी वंडरफुल आदि देखते ना आप लोग, उतना ही क्या करना, रीडिंग ओनली रीडिंग, 500-600 पुस्तकें उसने पढ़ ली है, उससे उसके भाषा का इतना विकास हुआ है, हिंदी और इंग्लिश पर इतनी कमांड है, आज उससे 3-4 साल बड़े वाले से भी आप कंपेयर करेंगे तो उसका अच्छा निकलेगा कभी भी, तो ये आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा लाइफ में, आप आगे बढ़ सकते हैं। शेष चर्चा